Hey everyone, welcome to Astounding Engineers. In this video, I am going to analyze the cutoff for mechanical engineering of JPSC AE Urban Development exam, which was held recently in the month of April. इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था ऑन कट ऑफ फॉर सिविल इंजीनियरिंग. आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिक्वेस्टेड मी टू मेक वीडियो ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कट ऑफ. सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्क्स एनालिसिस का, कितने कितने मार्क्स का था ये पेपर. तो फर्स्ट पेपर था इंग्लिश एंड जीके का, उस टोटल मार्क्स था 200 और उसमें पेपर का लेबल ऐसा था वन कैन इजली ऑप्टेन बिटवीन 110 to 130. पेपर वन का बात करते हैं, इसमें पेपर का लेबल ऐसा था कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इजली स्कोर कर सकता है 160 to 180 मार्क्स. पेपर टू का बात करें तो इसमें भी 140 से 160 तक स्कोर किया जा सकता था. इसमें ऑन एन एवरेज 400 मार्क्स इजली स्कोर किया जा सकता था. नाउ टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल पेपर, पेपर वन एंड पेपर टू दोनों 200 मार्क्स का था. इसमें पेपर का लेवल ऐसा था कि कन्वेंशनल पेपर वन में इजली स्कोर किया जा सकता था 110 to 140 एंड पेपर टू में 100 to 130. बट एक्चुअली में क्या होता है कि कन्वेंशनल पेपर में मार्क्स नहीं मिलते हैं, कितना भी अच्छा बना लो 5 out of 5 जो एग्जामिनर होते हैं वो फुल मार्क्स देते नहीं हैं. ठीक है, तो ये एक रफ एस्टिमेट में लिया हूँ. तो इसको यदि हम काउंट करें तो ऑन एन एवरेज टोटल मार्क्स आता है 580 to 620. इतना ऑन एन एवरेज स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ने में होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो लोग इतना स्कोर कर सकते हैं. ओके, बट यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सीट कितना था, क्योंकि कोई भी कट ऑफ डिसीजन में सीट सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सीट की बात करें तो टोटल 9 सीट था और इंटरव्यू कॉल के लिए जनरली 2.5 to 3 टाइम्स बुलाता है. सिंस सीट कम था, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 3 टाइम्स कॉल आ सकता है, 27 कैंडिडेट को कॉल आ सकता है. ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो इंटरव्यू के लिए सेफ स्कोर होगा वो हो जाएगा एटलीस्ट 680 होना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि सीट यहाँ पे बहुत कम है, कम से कम 680 मार्क्स लाना पड़ेगा इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए. ठीक है, ये मेरा एस्टिमेट है, इट कैन वेरी बट ये एक प्रिडिक्शन है. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करा है, उसने जो जैसा बताया पेपर के लेवल और जैसा एग्ज़ाम गया है मैकेनिकल वालों का उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बनाया हूँ.